अस्सलाम वालेकुम सर, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आपका भाई फिर से हाजिर है। तारीख 16 और मैं जा रहा हूँ क्रिकेट देखने, खेलने नहीं देखने। यहाँ यूनान में इनको तो नहीं पता क्रिकेट क्या होती है, लेकिन यहाँ ये यह है कि हमारे कुछ लड़के टेप बॉल खेलते हैं, लेकिन अभी से हार्ड बॉल भी कुछ खेल रहे हैं। तो हार्ड बॉल का सीन ये है कि ऑस्ट्रेलिया का कोई कोच है इनके, ठीक है, मैं उनसे मिला भी हूँ, एक दो बार गया भी हूँ। तो उन्होंने अपनी टीम तैयार की हुई है, तो वो टूर्नामेंट वगैरह जो यूरोपियन टूर्नामेंट होता है वो ज़रा खिलाते हैं। और ये मेरे साथ हैं अरसलान साहब। तो भाई साहब ने किट वगैरह कर दी है, लेकिन मुझे नहीं पूछ दी इनको खिलाएंगे। ज़रा पूरी किट शिट कर ली है इसने, ठीक है, ये नहीं है। तो लेकिन ये खिलाना क्यों नहीं है सर? ये उनकी बी तीन टीमें, ए टीम, बी टीम, से हमने प्रैक्टिस ज्वाइन नहीं किया। उनका रूल है जो एक माह प्रैक्टिस करेगा उसके बाद खेलना। तो भैया तो किट क्यों की है? किट करने की वजह वो शायद पता सिखा ले कि मैं खिलाई ले। हाँ मतलब उनके पास कोई एक आधा बंदा कम होगा तो कहेंगे यार आजा फील्डिंग कर दे पानी पिलाने के लिए। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा जब पाकिस्तान में था आपके भाई को भी क्रिकेट का बहुत शौक था, मतलब फुल जुनून वाला, सारा सारा दिन गर्मियों में सर्दियों में हम लोग खेलते रहे, ठीक है, बहुत जुनून था। लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गया, अभी दिल नहीं करता खेलने के लिए। तो मेरा कज़न है तलहा, आप लोग जानते हैं, जो जो मुझे जानते हैं उसको भी जानते हैं, तो वो खेलता है उस टीम में है, तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा साथ में लोग बना लेता हूँ, तो वो मुझे एक बार लेके भी गया, ठीक है, तो लेके गया, लेकिन मेरा दिल नहीं किया खेलने के लिए। तो मैं वापस आ गया, वो होता है ना किसी चीज़ का शौक ख़त्म हो जाता है फिर दिल नहीं करता। तो लेकिन आज मैं जा रहा हूँ, मैंने कहा लोग बनाते हैं साथ में और साथ में देखते हैं क्या सीन है, और उनका टूर्नामेंट है जाके वो कवर करते हैं। तो सर सीन ये है कि हम लोग निकलने ही लगे थे और ये बंदा हमें लग रहा था ग्राउंड में मिलेगा, लेकिन ये घर ही आ गया। मैं काम पे गया हुआ था तो मैच हमारा थोड़ा सा लेट था, मैंने कहा क्यों घर से फ्रेश हो भी चलेंगे तो। लेकिन इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मैच है टूर्नामेंट का और पहला टूर्नामेंट खेल रहा हूँ मैं ग्रीस में हार्डबॉल की अपनी कालिका सिक्सर्स की तरफ से, सो प्लीज। अच्छा वैसे बंदे को इतना बड़ा भी कीड़ा नहीं होना चाहिए भाई, आपको चाहिए थे को आधा घंटा और काम कर ले तो उसके बाद जाना था सीधा ही। नहीं भाई बात बता, किराना भी आधा वन एंड ओनली मैच ने काम पे जाने नहीं दिया और इंस्टाग्राम स्टार जारी लगा के आ गया। यू डोंट वांट टू नो मी, यू जस्ट वांट टू मेक श्योर यू आर राइट, आई एम गोना बी द वन फॉर अनदर वन, मेबी देन यू नो दैट आई वाज नेवर वन, आई एम गोना बी द वन फॉर अनदर वन, failure tonight got me। अच्छा यार सिंह जी है कि फैन हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राउंड में, ठीक है, ये मेरे पीछे ग्राउंड है, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। लेकिन हुआ ये है कि ना एक ब्लंडर हो गया रानी अली हैदर के साथ, हुआ ये है कि रास्ते का मुझे भी नहीं पता था, अली हैदर को भी नहीं पता था, अली हैदर बाइक चला रहा था आगे सबसे, उसके पीछे मैं और अरसलान थे, अरसलान को रस्ते का पता था 15 किलोमीटर वो बंदा हमारे पीछे है, 15 किलोमीटर सबसे पीछे ये बंदा था। अच्छा 15 किलोमीटर उसको घर से निकलने से पहले मैंने बताया कि भाई पीछे रहना, 15 किलोमीटर वो बंदा पीछे है, जहाँ पे हमने क्रॉस करना था ना, तो वहाँ से बंदा आगे निकल के ना लेफ्ट हो गया। अच्छा वो बंदा लेफ्ट हुआ तो ये पीछे से हॉर्न मार रहा है, हॉर्न मार रहा है। अच्छा ये बंदा पीछे से हॉर्न मार रहा, मैंने इसको देखा, मैंने इग्नोर किया, फिर ये हॉर्न मार रहा, मुझे लगा ये कह रहा है इधर को जाने दो, मैंने भी इधर को घुमा दी और मैं भी उसके पीछे चला गया। लेकिन हुआ ये है कि मैं उधर से जल्दी वापस आ गया, वो उधर से भी रुका, वो आगे जाई जा रहा, मुझे फोन कर रहा हूँ, इशारे कर रहा हूँ, जैसे रेस में भाग रहा है। अरे वो उसने ऐसे दूसरे ऐसे हाथ खड़ा किया और वो बाबा जी जा रहा है, और उधर जाके उसने लोकेशन सेंड किया हमसे, वो 12-13 किलोमीटर दूर है, कभी वो वापस आता तो फिर देखते। अच्छा ये बंदा मेरा ड्राइवर था, ये बाइक चला रहा था, इसे रस्ते का पता था, जिसकी वजह से हम लोग जल्दी अंदर से घूम के आ गए, लेकिन अभी वो लोकेशन पे आएगा तो वो उसे देर लग जाएगी, वो आ गया। अच्छा सर ये बंदा आ गया फुल क्लीन होने के बाद, आया 12-13 किलोमीटर घूमने के बाद, तो हमें मेरा ख्याल यहाँ आए अभी आधा घंटा हो गया, उसके बाद ये बंदा यहाँ पहुँचा। तो सर अगर बंदे आप लोकेशन अच्छी भेजी होती मुझे ना बाइक करना। अच्छा यार मुझे एक चीज़ याद आ गई, आज जब मैं पाकिस्तान में था उसमें करती ये बात है कि हम लोग मैच देख रहे होते थे जब इंग्लैंड में मैच होते थे, तो जब हम मैच देख रहे थे तो हम कहते थे यार पाकिस्तान में गर्मी होती थी, तो जो जब उधर का मौसम देखते थे ना तो मुंह में पानी आ जाता था, हम कहते थे यार क्या मौसम है, मतलब उधर इधर गर्मी है और उधर क्या मौसम चल रहा है, हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की हवा, तो गर्मी तो आज इधर भी है। लेकिन आज यार ये बार जो ग्राउंड है ना, मतलब देख के दिल गार्डन गार्डन सा हो गया, तो मतलब साइड का जो व्यू है कमाल का। Whenever you feel like you're about to sink, I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel.
तो सर फाइनली वी आर इन द ग्राउंड और ग्राउंड में खड़ा हूँ। ग्राउंड बहुत अच्छा है लेकिन विकेट नहीं है, तो विकेट मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब क्योंकि ये मेरा ख्याल फुटबॉल का ग्राउंड है, वहाँ ये खेलते हैं, विकेट अभी नहीं है तो ग्रास है सारा, लेकिन मुझे नहीं पता जो बॉल है वो पंप कैसे होता होगा, उछलता कैसे होगा, लेकिन ये है। Time you can ball and the bounce very high. Your English is coming very well. So sometimes kind of you see the wicket here, you can see the down line. It's like makes drop a little bit for batting. You can see very well. You can see this is like Roberts and this is like very high bounce. And I am sure today the batsman will get a little confused, but I hope so. The amazing game today we have here in Kalitia 6 and. अभी जो आपने मुन्ना देखा, sorry, मुन्ना नहीं था, वो भाई थे, ठीक है, जो अभी English बोल रहे थे, उनकी English कम फट फट के बाहर आ रही थी, उनके आंतरों से बाहर आ रही थी, जो आपको विकेट का तारफ करवा रहे थे, ये साजिद साहब, ये कैप्टन है इस टीम के। तो सर आप क्या विचार है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज कोशिश कर रहे हैं, पहला टूर्नामेंट का मैच है वर्सेस क्रिकेट अकेडमी एथेंस नाल, तो कोशिश है ये अच्छे लड़के ने माशाल्लाह साड़ी टीम का बहुत ही पूरा सेट है, और जिस तरह तुम्हें पता है राणा तलहा बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। तलहा पे आज जो है ना वो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तकरीबन 100% जो है ना वो इंशाल्लाह बैटिंग करेंगे और टीम को पूरा साथ देंगे। साथ में जो है हमारे लाहौरी हैं जो बहुत ही अच्छे बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं, और इंशाल्लाह आज का मैच होगा वो कालीसिया सिक्स के लिए विनर मैच होगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को आपको मिलते हैं इन फाइनल में। पूरे 3 साल के बाद आपका भाई भी बहुत आने लगा है, अगर मैं गिर गया मुझे एम्बुलेंस में कर ले जाना, मुझे नहीं पता कैसा होगा। वेरी गुड, बिग बिग बट्टा मट्टा। अभी तक नजम खेल रहा था, अभी तिफा खेलेगा। अच्छा तकरीबन मैंने पूरे 2.5 से 3 साल के बाद बॉलिंग करवाई हार्ड बॉल की, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि होगी, जब 5-6 बॉलिंग करवाई है, लेकिन ये है कि लाइन ऑफ लेंथ भी ठीक थी, पेस भी तकरीबन ठीक ही थी, और सांस वगैरह को नहीं खुला, मुझे था कि कुछ मसला वगैरह होगा लेकिन नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि अगर मैं चाहूँगा अभी थोड़ी सी पेट वेट अंदर करो एक्सरसाइज करके मैं दोबारा खेल सकता हूँ। अच्छा यार सुबह का उठे हुए कोई चीज़ नहीं खाई, मैंने सोचा था बाहर निकलेंगे, बाहर किसी दुकान से कॉफ़ी शॉफी लेंगे, उधर कॉफ़ी वगैरह पियेंगे तो वो नाश्ता हो जाएगा, लेकिन 5 बज गए कोई चीज़ नहीं खाई, क्योंकि राणा अली अगर साहब रास्ता भूल गए थे और उनके पीछे पीछे हम भी भूल गए थे, वो ग्राउंड में आ गए थे, तो अभी भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन इधर नज़दीक कोई चीज़ थी नहीं, कोई दुकान नहीं थी, तो फिर अभी राणा अली अदर के हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट मिनते किए कि यार भाई चले जाओ चले जाओ, फिर उसको भेजा और वो जाके अभी सबला के लेके आया तो खाने लगे। चेक करें जरा, मतलब वो ग्राउंड है और ये जनता यहाँ बैठ के सबला के खा रही है, छुप के कोई देखना ले। टॉस जीत के लोगों ने बैटिंग का फैसला किया और ये ओपनर जाने के लिए तैयार हो चुकी है, साजिद और वो लड़का है ओवैस। Whenever you feel like you're about to sing, I don't wanna just forget you, but I wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. Hey yo, I could become that one for another one. Hey yo. जिस टीम को हम सपोर्ट करने हैं उसकी बैटिंग चल रही है, 7 ओवर हो गए हैं, 1 आउट हो चुका है, तलहा 45 स्कोर है, और तलहा साहब ने बैट किए हुए, इसके बाद आना होगा छक्का, तो हम तो बेसिक उसकी बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो वो आएगा बॉल टू बॉल आपको दिखाएंगे। लेकिन ये है कि उनका ऊपर से एक दो बैट्समैन अच्छे खेले और लास्ट में आकर तलहा बहुत अच्छा खेला, तो अभी ये बॉलिंग करने के लिए लगे 150 प्लस या 160 इसके राउंड पर स्कोर है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उनकी टीम बहुत अच्छा खेली है, तो अभी आगे का देखते हैं क्या सोचते हैं कौन क्या करता है बॉलिंग।
सपोर्ट करने आया था वो टीम हार चुकी है, मतलब कि तलहा लोग हार गए। अच्छा मैंने आपको बताया था 160 मुझे एग्जैक्ट पता नहीं था, 145 स्कोर इन्होंने करना था, किया था 15 ओवरों में, तो सर उन्होंने वो स्कोर 12 ओवरों में पूरा कर दिया, मतलब कि क्या खेले हैं लड़के। जरा ये चेक करें टीम की मायूसी हारने के बाद, ये वो बंदा है जिसके कराए वो सारे काम है। बोथ टीम्स प्लेड वेरी वेल, दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली है, इन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है नो डाउट, लेकिन जैसे विकेट थी स्कोर मेरा ख्याल है 20-25 थोड़ा सा होना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन उन्होंने बैटिंग बहुत अच्छी की है, उन्होंने 12 ओवरों में चेस कर दिया। लेकिन हार और जीत गेम का हिस्सा है, गेम को इन्जॉय करना चाहिए, मुझे मज़ा आया क्योंकि, और दूसरी बात यह कि मेरा क्रिकेट का जो कीड़ा मरा हुआ था 3 साल से वो उठ गया, तो अभी मेरा दिल कर रहा था मैं खेलूँ, लेकिन मैं अभी इतना फिटनेस में नहीं हूँ क्योंकि 2-3 साल से रनिंग वगैरह भी निकली है, मोटा हो गया हूँ, लेकिन अभी इंशाल्लाह फिटनेस पे काम, क्रिकेट शायद ना भी मैं खेलूँ वैसे आज दिल कर रहा था, लेकिन अभी मेरा दिल है कि यार फिट होना चाहिए, अभी थोड़ा सा फिटनेस पे ना काम करते हैं, और इंशाल्लाह इसी के साथ करते हैं आज की वीडियो का अख्तितम, मिलेंगे इंशाल्लाह नए दिन में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।